आप ये धरना एक दिवस धरना रखने वाले हैं नगर पालिका के सामने, तो ये किस बारे में रखने वाले हैं, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो ऐसा है, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जो है, इसके अधिकारी और कर्मचारी जो है वो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं और पूरी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करने के ऊपर तुले हुए। उसी तरीके से जो मूलभूत अधिकार है, जिसके लिए हमारे केंद्र सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्चा कर चुकी है कि जन्म मृत्यु की नोंद तुरंत की जाए और हर नागरिक की जन्म मृत्यु की नोंद महानगर पालिका में होनी चाहिए, इसके लिए केंद्र सरकार इतनी सख्ती कर रही है। वहीं पर हमारे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जन्म मृत्यु विभाग के अंदर जो बच्चों के जन्म दाखिले की नोंद की जाती है, उस नोंद करने के लिए सबसे बड़ी बात कि उनको पहले घर पट्टी और नल पट्टी की मांग की जा रही है। घर पट्टी नल पट्टी जब जो इंसान जो व्यक्ति जो नागरिक गरीब है, जिसके पास खुद को रहने के लिए घर नहीं है, जो भाड़े से रहता है और वो उसके घर में बच्चा जन्म हुआ, तो क्या उसको जन्म दाखिला मिलने का अधिकार नहीं है क्या? क्या सरकार ने उसको जन्म दाखिला देने का अधिकार नहीं है? उसको जन्म दाखिले की जरूरत है तो उसको महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको जन्म दाखिला दिया जाए। मगर हमारे भिवंडी में निजामपुर महानगर पालिका के अंदर जन्म मृत्यु के लिए घर पट्टी की एक जबरदस्ती की जा रही है। दूसरी बात, वहीं पर जन्म मृत्यु विभाग के अंदर हमारे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अंदर जो अधिकारी निबंधक जिसको कहा जाता है, उनकी ड्यूटी जो है रहने के बावजूद वो जगह पर रहते नहीं है, जिसके कारण जिनका सब कुछ पेपर क्लियर है उन लोगों को भी जन्म दाखिला देने के लिए ये लोग 3-3 महीने का टाइम चला जाता है, लेकिन उनका जन्म दाखिला नहीं दिया जाता। ये ऐसी बहुत सारी मसले हैं। वहीं पर देखा जाए तो अभी जन्म दाखिले के लिए अगर किसी के नाम में मिस्टेक हो जाती है, भले वो मिस्टेक लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से, कर्मचारी की गलती की वजह से भी अगर हुई है, तो उसके लिए भी दुनिया के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, एफिडेविट मांगा जाता है, और वो सब करने के बाद भी उनको 3-3 महीना महानगर पालिका के चक्कर काटना पड़ती है, फिर भी उनको नाम करेक्शन करके नहीं दिया जाता, जबकि कायदे के अनुसार इनको 5 दिन के अंदर नाम करेक्शन करके जन्म दाखिला दे देना चाहिए। वहीं पर जिस हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है, उस हॉस्पिटल के अंदर से महानगर पालिका के अंदर नोट एक हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में आ जानी चाहिए, लेकिन महानगर हॉस्पिटल वाले ने महानगर पालिका में रिकॉर्ड भेजने के बाद बावजूद 3-3 महीना 5-5 महीने तक उस हॉस्पिटल की नोंद महानगर पालिका में नहीं की जाती, जिसके वजह से लोग महानगर पालिका के चक्कर अपने जन्म दाखिले के लिए बच्चों के महानगर पालिका के चक्कर काटते रहते हैं। इस तरीके से जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि जन्म मृत्यु विभाग के अंदर जो दाखला हमने जो बच्चे इस हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, उनको एक ही दिन के अंदर उसकी नोन करके वो अर्जी किया उसी दिन उनको शाम तक दाखला दे देना चाहिए, और सारे महानगर पालिका के अंदर एक दिन में दाखला मिलता है, चाहे वो लातूर महानगर पालिका हो, मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे महानगर पालिका हो। एक हमारा भिवंडी महानगर पालिका ऐसा है कि यहाँ पर जन्म दाखिले चाहे घर का हो चाहे हॉस्पिटल का हो, उसके जन्म दाखिले के लिए एप्लीकेशन करने के बाद 6 महीना 3 महीना कम से कम 3 महीना तो कंपलसरी चक्कर काटना पड़ती है, जिसके बाद में ही जन्म दाखिला मिलता है। ये सब इनकी पूरी पूरी तरीके से मनमानी चालू है। दूसरी तरफ भिवंडी महानगर पालिका टैक्स वसूल करने में सख्ती कर रही है, हम उससे खिलाफ नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास घर ही नहीं है, जिनके पास घर है लेकिन उसमें नल नहीं है, उन लोगों से टैक्स वसूल करने का कौन सा कायदा है? ये सरासर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की पूरी तरीके से जबरदस्ती और लूट मारी है। ये भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका पूरी तरीके से लूटने का काम कर रही है, गरीब और कामगार जनता का, जो भिवंडी शहर है, इस भिवंडी शहर के गरीब और कामगार जनता को पूरी तरीके से लूटने का काम भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कर रही है। इसके विरोध में हम ये पहला कदम उठा रहे हैं कि एक दिन से धरना दे रहे हैं, और ये मामला अगर खत्म नहीं हुआ, इनका ये घर पट्टी का मामला और ये जन्म मृत्यु विभाग के अंदर तुरंत दाखिला देने का मामला अगर नहीं ये लोग सुधार लाए, तो हम लोग इस आंदोलन को इतना तीव्र करेंगे, ये आंदोलन केंद्र सरकार तक जाके लड़ेगा।